बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे। अच्छा कि मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर कह उठा देंगे ये। ये पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया। अच्छा अब तुम पर आफत आई जो तुम रोना धोना शुरू कर दिया। सुन रहे हो इनकी तकलीफ। मुसलमानों का घर टूटा तभी इन्हें खुशी मिली थी, अपना घर टूट रहा है तो हिंदू हिंदू दूसरों के दुखों का मजा लेने वाले अपनी बारी पर मातम मना रहे हैं। गजबे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। कहे कि जिस तरीके से अकबर नगर में बुलडोजर चला था तो कुछ नफरत चिंटू खुश थे और तमाशा देख रहे थे, और आज उन्हीं का तमाशा बन रहा है। और अब बुलडोजर का मुंह पंत नगर की तरफ है। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर कह उठा देंगे। सच बताया आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए। आज जब आसमान में पहुंच गए हैं, न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा। अरे निकालो इस धर्मी को यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो भाई, हम कुछ विरोध कर रहे हैं। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ लिखती है, हिंदू तब जागा जब उसका घर गिराया जाने लगा। सब गवा के जागा भी तो क्या फायदा, घर के बाहर बुलडोजर दहाड़ रहा है। अब नींद खुली है हिंदू की। अब पता चला हिंदू को किससे खतरा है, अभी भी नहीं समझे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। लायक है क्या? तो प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, मोदी योगी को वोट देने का सिर्फ एक ही मकसद था, मुसलमानों को बर्बाद करना। जो दूसरों की बर्बादी का सपना देखता है सबसे पहले उसकी बर्बादी होती है। ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। यही हकीकत है। देखिए भाई, ये इनकी निजी राय है जिनकी समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर सवाल तो उठता है ना कि सरकार को घर तोड़ने की नौबत ही क्यों आती है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, किसी का भी सपनों का आशियाना टूटता है तो तकलीफ बहुत होती है। इसलिए ऐसे जगहों पर बसने से पहले सरकार और उनके अधिकारियों को यह ध्यान देना चाहिए कि उन जगहों पर न बसे जिसे बाद में घर तोड़ने का नौबत आ जाए। खैर, सोशल मीडिया में कॉमेडियन भगत राम का एक वीडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बंगला मिले नारा रहे कुन बाजिस में। ये क्या है? मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी मानसिक अवस्था आज कुछ ठीक नहीं है। तो ये है कॉमेडियन यूट्यूबर भगत राम, जो आए दिन कभी सुधीर चौधरी तो कभी स्मृति ईरानी तो कभी मोदी भक्त बनकर लोगों को इंटरटेन करने के साथ साथ इनकी असली चेहरा भी दिखाते हैं। अब स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है तो भगत राम ने जम के फिरकी ले लिया। गांधी परिवार का वो युवराज बंगला खाली करके गया था, वैसे ही आज मैं भी बंगला खाली करके जा रही हूँ। अच्छा हाँ, जब स्मृति ईरानी सरकारी बंगला खाली कर दी तो उनको जम के ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जब पिछले राहुल गांधी अमेठी से हारे थे तो उनके लिए इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे तुरंत? घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। अब इसी वीडियो को लेकर लोग स्मृति ईरानी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में एक ट्वीट किए हैं, लिखते हैं, जीवन में हार जीत लगी रहती है, मेरा सभी से अपील है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। अगर आप स्मृति ईरानी कैसे ट्रोलिंग कर राहुल गांधी की स्मृति ईरानी के पक्ष में ट्वीट करने को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।